जीएसटी में जहां छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को राहत मिली है, तो सरकार ने आम जनता के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। करीब 27 वस्तुओं और सामानों पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। जीएसटी काउंसिल की कल हुई बैठक में 27 तरह के सामान और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। जिन सामानों पर जीएसटी घटाया गया है, उनमें आम जनता से लेकर छोटे व्यापारियों की जरूरत तक के सामान हैं। साबुत खटाई, खाखरा, सादी चपाती पर अब जीएसटी 5% हो गई है। बगैर ब्रांड वाले नमकीन और बगैर ब्रांड वाली आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। पोस्टर कलर और बच्चों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाले मॉडलिंग पेस्ट पर अब जीएसटी की दर 18% होगी, जबकि पहले यह 28% थी। नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन जैसे सिंथेटिक और आर्टिफिशियल यॉर्न पर जीएसटी की दर 18% के बजाय 12% होगी। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए डीजल इंजन और वाटर पंप कलपुर्जों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18% कर दी गई है। सेवाओं की बात करें तो नकली जेवर बनाने, खाने का सामान बनाने या फिर छपाई के लिए जॉब वर्क पर जीएसटी की दर 12% के बजाय 5% होगी। डीजल इंजन्स के जो पार्ट्स हैं 28 से 18 लाए गए हैं, पंप्स के जो पार्ट्स हैं 28 से 18, ई वेस्ट जो है उसको 28 से 5 किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि 15 मई 2017 तक रजिस्टर्ड ब्रांड को ही ब्रांडेड माना जाएगा, भले ही कंपनी ने बाद में उसे कैंसिल करवा दिया हो। हालांकि ब्रांड वाली वस्तुओं पर सरकार ने जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है। जीएसटी में बदलाव के बीच राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठा दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जीएसटी में बदलाव को लेकर सरकार पर हमला बोला है। लोगों को उनकी जरूरत के सामान पर जीएसटी पर राहत तभी मिलेगी जब उनके राज्य में चुनाव हों और बीजेपी को नतीजों की चिंता हो। दिल्ली से शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।